और इसी बीच एक बड़ी खबर छतरपुर से हमें मिल रही है, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। तो छतरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई है, जहां कार और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हुई। 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि सभी लोग चित्रकूट से दर्शन करके वापस लौट रहे थे, और इसी दौरान एक जानवर को बचाने की जद्दोजहद में कार ट्रक से टकरा गई। तो छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा भीषण हादसा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ मर पड़ी और 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। देखिए, कार के परखच्चे उड़ गए, ट्रक से टकराई ये कार। बताया जा रहा है कि एक जानवर को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रिंस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रिंस, क्या ज्यादा जानकारी, घायलों की क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये हादसा आज सुबह 6 बजे के करीब हुआ है। तब चित्रकूट से लौट रहे ये एक यहाँ के लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। सभी निवासी गड़ी में ले रखे हैं और इनको इलाज के लिए जो घायल है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, इनके इलाज जारी है जिला अस्पताल में। बाकी 3 लोगों की जिनकी मौत हुई है, 2 ये सभी हाल निवासी गड़ी में रहे थे और ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रह रहे थे, ये निवासी सभी महाराजपुर थाना के सिंहपुर गांव के थे और वर्तमान समय में गड़ी मनेरा में निवास कर रहे थे। यहाँ से ये सभी लोग चित्रकूट में अमावस्या के अवसर पर दर्शन करने के लिए गए थे, वहां से आज सुबह लौट रहे थे। सभी गड़ी मनेरा थाने के मात्र 50 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। एक मवेशी को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकराया है, टकराई है गाड़ी, और गाड़ी की हालत तस्वीरों में जैसा आप देख पा रहे हो, इतनी भयानक हादसा हुआ है। तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं किस प्रकार से 3 लोगों की घटनास्थल पर जिस प्रकार से मौत हुई है, ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। अच्छा प्रिंस, ये जिनकी मौत हुई है इस हादसे में और जो घायल हैं, क्या ये सभी कार सवार हैं, एक ही परिवार के थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये परिवार के 2 एक ही दंपति थे, जो राजपूत दंपति थे। ये दोनों दंपति थे, जबकि एक रोहित तिवारी नाम का लड़का है जो गड़ी मलेरा हाल निवासी है और कुरहा गांव का निवासी रहने वाला है, जो वर्तमान समय में गड़ी मलेरा में रह रहा था। और ये सभी लोग दर्शन करने के लिए गए थे। एक ही परिवार के 3 लोग नहीं है, 2 लोग एक ही परिवार के जो दंपति है। अभी क्या स्थिति बताई जा रही है प्रिंस, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस ने इस पूरे मामले में ट्रक और बाइक जो गाड़ी है उसको जब्त कर लिया है। पोस्टमार्टम के लिए सभी को महाराजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है और जो घायल है उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी घटना के आधे घंटे के बाद एक और सड़क दुर्घटना, इसी घटना स्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। उन पुलिसकर्मियों को भी इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उनके भी सर में चोटें आई हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे कुछ पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी थी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी, तभी है उनके साथ भी ऐसा एक हादसा बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका प्रिंस ये जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं छतरपुर की, जहाँ सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। मवेशी को बचाने के चक्कर में कार ट्रक से